रहा है, क्या ये बिल्कुल आपके अभी तक के जितने किरदार रहे हैं और आपकी पूरी इमेज पर ये अलग इमेज छोड़ने वाला है, इसके बारे में कहते हैं? या मैं इमेज के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, अच्छा काम अगर मिलता है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक इमेज एक्टर की होनी चाहिए आज के ज़माने में कि अलग अलग रोल्स करें, इंटरेस्टिंग रोल्स करें। और मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा किरदार मिला करने के लिए। ओम जी ने बड़े प्यार से डायरेक्ट किया, अजय जी ने इतने रिलैक्स तरीके से प्रोड्यूस किया कि मुझे यू नो एक्चुअली पता नहीं था कि इट्स सच अ बिग डील। जब मैं ट्रेलर देख रहा था आई वाज लाइक यू आर रियली काम यार ड्यूरिंग एवरीथिंग ऑल ऑफ यू गाइस। नहीं इट बहुत आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रोल्स ऑफ माय करियर टिल नाउ, व्हिच इज ग्रेट टू से दैट द नेक्स्ट फिल्म इज द बेस्ट फिल्म, यू नो। थैंक यू। हाय आई एम आयुष। Well, I, you know, actually we didn't have too much homework preparation. Omji and I spent just a lot of time on set and in costume, and he was very clear in his head what he wanted, and it was something very new. He, I think, went up to Ajay when the idea was cast and he said, I want Seth for this part. So he had something in his head, which he then explained to me, and together we did it. So, you know, a lot of credit to him for that. He's just being too kind. Don't call me Jesus. Really weird. Omi Baba. Yeah, that's good. This is something very, very different for me. And so how was the, you know, that excitement, and how did you prepare yourself? And like, like I said earlier, when we started the film, I did not understand it. I think Om told me during the making of the film that this by chance is 100. So that's a different thing altogether. I mean, 99 or 100 or second, it doesn't really matter. You know, you have to keep working. The only thing which scares you is this is not your last film. Yeah. So that's what should keep you going. Whatever Om and myself we discussed, that lots whatever we could pick up from history. You know, history is again not complete. There are chapters when there's something missing, and then you know you have to start imagining, put things together. And when you portray a character of such a strong warrior hero, you have to try your best to justify it. That's what we try to do, and try to play it as honestly as possible. Hi sir. Yeah. My name is Priya from Library of India. So my question to Ajay sir and Sam sir. But first of all, Kajol ma'am, I love you and I'm a very big fan of you. Thank you. My question is Sam sir or Ajay sir. So sir, aapki, aap dono ki saath mein movie aapke 14 years baad aap aa rahe hain saath mein. 2006 mein aapki movie aayi thi Omkara. तो सर उस 14 ईयर्स में आपके साथ कितना चेंजेस है एक दूसरे में, सिवाय इसके कि जो उस मूवी में आपकी रियल वाइफ थी वो सर की रियल वाइफ है, इसके अलावा और क्या चेंजेस है? आई फील लाइक अ हीरोइन सर, आई वांट टू नो। या हम दोनों बड़े हो गए जी, थोड़े मैच्योर हो गए हैं। जब हमने पहली पिक्चर में साथ में काम किया था तो हम बच्चों से बदतर थे, वो हम बता नहीं सकते क्योंकि वो फिर सेंसिटिव रहेगी। ओंकारा में हम थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से सुधर गए, अब काफी सुधर चुके हैं। दोनों के बच्चे हो गए अभी, कुछ चीजें बदल चुके हैं, चीजें नहीं हो, बच्चों के बच्चे हो गए। सर ये मतलब आपकी दूसरी मूवी ऐसी जिसमें आपने सर के साथ नेगेटिव रोल किया, पता नहीं क्यों मेरा ख्याल आता है इनको, जो मैं सोचते हैं कि बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट है। पहली में इतना अच्छा काम किया था, लोगों को पसंद आया था, तो फिर अब तो बनता है ये दूसरी का। थैंक यू सर। हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं नोनी जैन फ्रॉम नमोकार चैनल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पर मूवीज बनती हैं, उन्हें गोल्डन स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है, तो उनमें कुछ ना कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ली जाती हैं।
तो ताना जी की और शिवाजी की कहानी हमें कितनी ओरिजिनलिटी के साथ इस फिल्म में मिलने वाली है? यस सर, सो बेसिकली जो एक फिल्म जो है सिनेमा जैसे पोएट्री होती है, जैसे लिटरेचर होता है, वहाँ पे एक कवि कल्पना भी होती है। पर ये सब करते हुए आपको अगर प्रेजेंट करना है कोई कोई एक कहानी को, तो आपको जैसे सर वो सेइंग दैट वी हैव टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर टू काइंड ऑफ मेक स्टोरी कंप्लीट, बिकॉज काफ़ी सारी घटनाएँ होती हैं उसके बीच में, की चीज़ें नहीं होती। पर ये सब करते हुए वो जो किरदार होते हैं, जो जो इतिहास के जो 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 लोग होते हैं, उनका जो पर्सोना होता है, वी हैव टू कीप ट्रू टू द कैरेक्टर ऑफ द पीपल हु वर्क देयर, एंड वी हैव टू मेंटेन द पर्सोना, मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द सेक्रेटनेस ऑफ दोज कैरेक्टर्स, एंड कीपिंग दोज इन माइंड इफ यू कुड यू नो काइंड ऑफ प्रेजेंट इट इन योर वे, आई थिंक देयर शुडंट बी एनी इशू। आई थिंक द आइडिया इफ आई मे से इज टू ऑनर द कैरेक्टर, द इंटेंशन शुड बी क्लियर ऑफ द मेकर्स, व्हिच इज टू ऑनर द कैरेक्टर and to entertain the audience. So those are the two things that you have to keep in mind. Story unsung hai, to isme aap log ye present karna chahte hai ki story complete nahi thi, iske bare mein bahut zyada society mein describe nahi kiya gaya, is bare mein zyada kuch bola nahi gaya, ha logon ko pata nahi hai. Aur jaise ki maine kaha, jo unsung warrior humne shuru kiya hai, ab jaise ki Tanaji ki baat le lijiye, aap Maharashtra mein jayenge to sabko pata hai, but north mein logon ko zyada nahi pata, बट लड़े तो वो इसी देश के लिए थे। तो अगर इवेंचुअली आप देखें देखा जाए तो देश तो एक ही है, तो हम उसको ऐसा अगर वहाँ ज़्यादा पढ़ाई है इसकी यहाँ कम है, तो हम इस फ्रेंचाइज में हर जगह के ऐसे वॉरियर्स हैं, एक्सेप्ट पंजाब से हो सकते हैं या राजस्थान से हो सकते हैं, या तो उनको जहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं उनको पूरे देश में लेके जाया जाए कि ये लड़े पूरे देश के लिए थे और इनके सेक्रीफाइस बहुत बड़े थे। फिजिकल मेहनत काफी थी, होम ने मुझे बहुत तंग किया बट जैसे कि आपने देखा है जो स्केल है फिल्म का और जिस हिसाब से हमने कोशिश की है फिल्म बनाने की, तो उसमें कहानी से लेके ड्रामा से लेके सब कुछ रखते हुए जो कि सबके दिल को छू जाए और एक अच्छी कहानी कह सकें, हमने विजुअली भी ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है कि बहुत ही मुश्किल से किसी हिंदुस्तानी फिल्म में आई हुई, तो इसके लिए पूरी टीम का एक बहुत स्ट्रगल रहता है, मेरा अकेले का नहीं था, और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। ओम तो अभी भी काम चल रहा है, तो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं है, तो परेशान ही रहता है, वेट कर रहा है कि तुम कब कंप्लीट हो जाके सो, तो इतनी मेहनत सारी टीम की है। I think relationships generally are pretty much the same, and I think that kahin na kahin agar dekha jaye to it is always difficult to see somebody that you love in a dangerous situation, or to you know watch it from a distance, to watch something happening from a distance and not have control over that. So yes, that is different, that is maybe the same 400 years before and now today as well, but yeah, I think relationships on the whole have changed quite a bit. This is Salman from Filmy Beat. Sir, here. Yeah. मेरा क्वेश्चन सैफ सर से है कि सर इसमें आपका बहुत ग्रेट शेड्यूल दिख रहा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको देख के वो थोड़ा कैची और लग रहा है, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। तो सर इसके लिए जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे रणवीर सिंह थे जिन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए पद्मावत में खुद को कमरे में बंद कर लिया था, तो आपने कुछ किस तरीके से किया था कि उस कैरेक्टर में आने के लिए कि ज्यादा खतरनाक लगे आप उसमें? इन्होंने दूसरों को उनकी कोशिश कर रहे थे मुझे कमरे में बंद करने क्या, उस कैरेक्टर में ज्यादा खतरनाक अपने आप को दिखाने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की, वो मेरा सवाल था।
बहुत नेचुरली आया था, बहुत नेचुरली आया था, ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की उन्होंने. Yes, हाँ, नहीं थोड़े रिहर्सल्स किए और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं और डायरेक्टर वो सब कुछ पेज पे था वो एक्चुअली मेरे अंदर का पर्सनालिटी नहीं है वो बहुत एक्टिंग करनी पड़ी लेकिन जो ओम ने एक्चुअली स्क्रिप्ट में लिखा था जिस तरह से उन्होंने किरदार लिखा था जो पर्दे पे सेफ लेके आए हैं मैं वो बताऊँ कि इट इज much 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 better than what you had actually conceived of the character aur jab maine bhi dekha to mujhe bhi thoda sa jaise aap keh rahe the matlab itna suddenly that evilness and jo ek jazba hota hai ki I am happy being evil I think that Seth does beautifully brilliantly and yes the trailer is better for him the film is better for him thank you very much thank you No ma'am, no. I mean, there's a long drive from Film City to home, it's about 3 hours. By the time I cross the highway, it's gone. Hello. From the Pioneer in September, and my question is to all of you, all sunny people here. So, recently we have been observing this trend that history, like chapters of history, have been there on, like, have been showcased through different films. So, do you think that films have become like a secondary source for people to know about history and some things that have not read textbooks, or they might not even read textbooks, and they might not be a chapter of that. But I would say it is a good source. I mean, if we can bring forgotten history, we a lot of today's generation knows history from overseas. They know what the British did. They know what the Americans did. People are forgetting our history, and. We've had great heroes and great warriors in our country. And I think they can become an inspiration to people if we can bring their stories out. So not that this is our job always to do it, but once in a while, whenever we can say something, we find something nice to say, we love to and we will. And I think we make films so that we can present you with something unexpected. We want to tell you a story that you've never heard before or in a way that you've never seen before. That's the whole point. And that's our main point. We want to entertain you. We make this film because we want to entertain you. We want you to love it. We want you to cry. We want you to laugh. That's what we want to do. That's how we make films. Om ji, here, sir. Thank you. Sir, मेरा सवाल locations को लेके है. क्या मूवी में कोई real location पे shoot हुआ है या सारी मूवी VFX के through ही? VFX का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ create करते हो. आप सब कुछ उस जगह पे create करते हो जहाँ आप shoot कर रहे हैं. तो original locations को पूरा आज के जमाने में जब आप 200-300 साल पहले की दिखा रहे हैं तो अब तो बदल गया है सब तो उसको वापस रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो VFX तो सिर्फ सजाने के लिए होता है बाकी तो आपको सब क्रिएट करना पड़ता है भूषण सर राजेश कुंड लेंगे सर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक सवाल किया था कि आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट आइडियाज के साथ पिक्चर्स लेकर आ रहे हैं और ये तमन्ना जी एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट मूवी है तो क्या इस मूवी की प्रोड्यूसिंग के साथ साथ आपने इसमें कुछ और भी इनपुट किया क्योंकि पिक्चर थिएटर के साथ बहुत ही अंदर देखने को मिलता है और बेसब्री से इंतजार में करते हैं सो टैलेंटेड और वो खुद डायरेक्टर भी हैं क्रिएटिवली भी करते हैं तो ऑब्वियसली means I'm standing by him as a producer so that puri creativity to Ajay sir ne aur Om ne ki hello namaskar bhaiyo main mera sawal aap se hai ma'am aapne film ke dauran shooting ke waqt bahut se superstar ke sath kaam karne ka experience aapka kaisa kiske sath kaam दो सुपरस्टार थैंक यू सर Hi, this is Epiphany from Good Night. Epiphany? Yeah. So I have two questions. First is a takeaway that
you have from your character, like something that you took away from your character. Second, My real life warrior would be my mom. Recently she went through a really tough time in the hospital, and she came through with flying colors. She was cracking jokes before and after she went through surgery, and you know, she came back and she faced it like I was in awe. I was humbled. So really, she is a real life warrior to me. Always has been, and always will be. As far as what I will take away from this film, I think I don't think that I've ever felt so beautiful in my life. To be very honest, very vain, very you know, shallow, I know, but I don't think that I have ever felt so. I think there is something about that time period. Maybe it is definitely the character that you play. It is definitely it's the story that you're a part of, that you're woven. Maybe as you say, I still haven't recovered from my you know, character, and I'm still in character. I would like to believe that. But I think that Savitri Malusere is such an innate strength in her, which is not, which is undiluted. And you see it, and somewhere down the line, you feel a little, you know, you feel a little almost ashamed to see that, you know, such an undiluted pure strength in front of you. So yeah, I take that back. Yeah. Thank you so much. We've completely run out of time. To my friends from the media, thank you for your questions. And to the team.